हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज संडे है और ये खिलखिलाते हुए धूप आप देख ही रहे होंगे जो कि मेरे चेहरे पे भी पड़ रही है। तो मन कर रहा है क्यों ना कुछ मजेदार बनाया जाए और ब्रेकफास्ट में वो खाया जाए। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता है मैं हिमाचल में हूँ आजकल, तो क्यों ना आपको हिमाचल की इस परंपरा से रूबरू करवाया जाए। तो हमारे यहाँ पे संडे का दिन हुआ या कोई शुभ दिन हुआ तो हम बबरू जरूर बनाते हैं। तो आज मैं आप सबको सिखाने जा रही हूँ कैसे हम बबरू बनाते हैं और कैसे उसे खाते हैं और कैसे बनाते हैं। तो चलिए फॉलो मी। तो अब मैं अपने किचन में पहुँचने वाली हूँ, जस्ट पहुँच ही गई। और आपको मैं सबसे पहले अपना किचन दिखाना चाहूँगी। ये हमारा किचन है, थोड़ा सा सुबह सुबह का टाइम है, थोड़ा सा खलारा वगैरह थोड़ा पड़ ही जाता है मेरे किचन में। और ये देखिए, बबरू के लिए सबसे पहले ये आटा है। इस आटे में दूध भी लाया है और थोड़े से काजू ड्राई फ्रूट्स को पीस के उसका पेस्ट बना के मैंने इसमें डाला। ये बैटर तैयार कर लिया है। और बबरू बनाने के लिए हम सब क्या करते हैं कि ये तवा लेते हैं। ये तवा जो है ये एकदम लोहे का तवा है, नॉन स्टिक तवा नहीं होता है, आपको थोड़ा ध्यान से देखेंगे। तो बबरू बनाने के लिए मैं इसको थोड़ा सा ग्रीस कर रही हूँ ऑयल। तो ऑयल लगाने के लिए हम देसी तरीके में ऐसा एक कपड़ा लेंगे, इस कपड़े को ऐसा इस तेल में थोड़ा डिप कर दें, फिर इसे इंगे करिए ना कने। उन बबरू बनाने वास्ते ये कटोरी लेनी है। कटोरी जो होगी मीन्स ये आपको कटोरी लेनी है, नीचे से राउंड शेप में होनी चाहिए हमारी ये कटोरी। इसको ध्यान से आप सब देखिए। अब इस कटोरी को आप इस बैटर में डिप कीजिए और तवे में आप देखेंगे धुआं निकलने लग पड़ा है। इसको इस तरह से रखेंगे, कटोरी से गोल गोल घुमाएंगे, ये देखिए आज थोड़ी तेज कर देंगे। और ये ऑयल है बहुत कम यूज कर रही हूँ मैं, इसको साइड साइड में हम ग्रेस कर देंगे। और जैसा कि संडे की सुबह होती है, हमारा मन करता है यार कुछ खाए। और रियली मैं बहुत खुश होती हूँ जब संडे आता है, क्योंकि उस दिन रेस्ट होती है, नो ऑनलाइन क्लासेस और अपना दिन है, अपना मजा, अपना मस्ती, अपना फन है ना। तो हम सबको खाने के लिए भी जीना चाहिए। मैं तो खाने के लिए जीती हूँ, मुझे खाना बहुत पसंद है। और अभी देखिए ये बबरू जो है इस पे ये थोड़ा सूख गया है ऊपर से, तो थोड़ा सा मैं ऑयल लेके ऐसे करूंगी। तो ये दिखा मैं लगाई है तेल, उन में इसे पलटना है ना। अब मैं इसको चेंज करने जा रही हूँ धीरे धीरे धीरे। ये देखो लोहे के तवे में आप इसे देख सकते हैं। ये देखिए मैं इसे चेंज करने वाली हूँ, ये ऐसे इसलिए देखिए। अरे आप सोचोगे जल गई, ये जला नहीं है, ये क्रिस्पी बहुत यम्मी लगता है। इसमें मैं थोड़ा सा ऑयल और लगाऊंगी, हल्का सा, 1-2 ड्रॉप्स, ज्यादा नहीं। मुझे ज्यादा पसंद है क्रिस्पी क्रिस्पी, इसलिए मैं ऐसा बना रही हूँ। ठीक है, तो हमारा ये बबरू होने ही वाला है। और साथ ही साथ मैं सुबह जूस भी पीती हूँ मेरा ब्रेकफास्ट का। मैं हेल्दी तो खा लेती हूँ, बबरू परांठे, आई लव परांठास, बट मैं रोज दो चीजें करना कभी नहीं भूलती हूँ। एक दो मैं बॉइल्ड एग लेती हूँ और साथ में मैं अपने जूसर से जूस बनाती हूँ। जूस की रेसिपी भी आपसे मैं किसी दिन शेयर करूंगी, जो कि मेरे ब्रेकफास्ट में मैं अक्सर लेती हूँ। तो चलिए हमारा ये बबरू जो है अपना पहाड़ी हिमाचली बबरू, जो कि आटे को घोल के बनाया गया, इसमें मैंने दूध और पानी यूज किया और चीनी यूज की। तो ठीक है, तो ये मेरा ये जो बबरू है ये सीधा तवे से मेरी प्लेट में। ये देखिए 3 बबरू, तो देखिए है ना मजेदार क्रिस्पी। अब मैं थोड़ा खा के बताती हूँ कि ये थोड़ा मजेदार बना है या नहीं। आप भी खाना चाहोगे तो आपको तो नहीं मिलेगा, इसके लिए तो आपको मेरे घर आना पड़ेगा। तो ये बबरू की बाई, इसको मैं डाली अपने मुंह में। यम्मी, बहुत टेस्टी बना है ईशान। अरे ईशान की तो प्लेट भी खा दू। ईशान कैसा लगा आपको बबरू? बहुत अच्छा लगा, ये भी खा रहा है। सो बाय बाय फ्रेंड्स, एंजॉय योर संडे विद बबरू। संडे फंडे, बाय।